जालौर जिले के रानीवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर संचालित होने वाला रोडवेज बस स्टैंड लंबे समय से बंद पड़ा है और बंद पड़े रोडवेज बस स्टैंड का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बड़गावा रोड पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड से यात्रा करने वाले यात्रियों को बसों की पूछताछ के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है। यात्री बस स्टैंड पर तो आ जाते हैं मगर निराश होकर वापस जाना पड़ता है। दरअसल लंबे समय से संचालित होने वाला बस स्टैंड कई महीनों से बंद पड़ा है। इस बस स्टैंड से सैकड़ों बसें संचालित होती हैं। इसी बस स्टैंड से जालौर, सिरोही, बाड़मेर और गुजरात को जाने वाली बसें भी इसी बस स्टैंड से जाती हैं। ऐसे में कई गंभीर मामले भी होते हैं जिसमें लोग इलाज के लिए गुजरात जाते हैं। यहाँ ना तो समय सारणी उपलब्ध है और ना ही कोई जानकारी यात्रियों को मिल पाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रानीवाड़ा निवासी, जिसमें केंद्रीय बस स्टैंड बड़गांव रोड पर बना हुआ है जो नाकारा है, जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, टिकट खिड़की भी नहीं खुलती है, समय सारणी लगी हुई नहीं है, जिसमें यात्रीगण परेशान होते हैं, जिसमें आबू रोड, सांचौर, जोधपुर की ओर जाने वाली बसें बाहर से निकल जाती है, अंदर बैठे यात्रीगण उनका इंतजार करते हैं, जिससे बसें नहीं मिल पाती है। वह पूर्ण रूप से बस की सुविधा न होने के कारण यात्रियों को निजी बसों में सफर करना पड़ता है। बस में शाम ढलते ही बस स्टैंड के अंदर अंधेरा हो जाता है और पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान।